कहाँ रजा? एक बार देखो तुम। तो फ्रेंड्स रजा कह रही है कि जो हमारे व्हाइट वाले कपड़े के स्टैंड का एक होल्डर था, कनेक्टर था, वो उसे मिल गया था। तो एक अभी हमारा स्टैंड पूरा हो जाएगा। एक बार देखो उसमें एक होल्डर पहले से लगा है ना या नहीं लगा। रजा अब उम्मीद देके दिल ना तोड़ना। अरे मैंने खुद डाला अपने हाथ से। कहाँ मिला ये? यही कहीं पड़ा, ये बॉक्स के अंदर था शायद वाले में। चलो लगाते हैं। दूसरा है या नहीं उसपे? हाँ इसका दूसरा, ये देखो ऊपर से निकला हुआ है ये। नहीं वाला वो तो नहीं है रिजा, तुमने वही बार बार ढूंढ के ले आती है। फिर कैसे निकाला वो? उसके बाद हम निकल गए वैक्सीन लेने जाने के लिए और देखो रिजा के प्रोजेक्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ते। उसके बाद हम एडवांस हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पे हमने और भाभी ने वैक्सीन ली। उसके बाद वहां पे 10 मिनट वेट करना था, हमने वेट किया और हम निकल गए जमीर भाई के पास जाने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हमने सोचा हम कार में ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लिया। उसमें भाभी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फ्रेंड्स हम आ गए अभी बाहर से वैक्सीन लेके। थोड़ा पहले हमने खाया, हाई पॉइंट गए। उसके बाद यहाँ पे भाई अभी कोई मीटिंग थी, उसमें हम लोग 11-12 बजे के निकले हैं और अभी आ रहे हैं। आज वाली सुई थोड़ी सी लगी थी, थोड़ी अम्मी ना के बराबर, मतलब फर्स्ट टाइम की जो थी तो उसमें ऐसा था कि बिल्कुल पता ही नहीं चला बात करते करते, और इस बार हल्का सा लगा था। अब या तो लगाने वाले के ऊपर होगा या सेकेंड डोज में कुछ होता होगा, पता नहीं। भाभी को भी फील हुआ इस बार थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा मतलब दर्द नहीं कि तुम रोने लगो, जैसे उससे थोड़ा सा, थोड़ा सा। अगर बैग नहीं मिला था ना तो जब भाभी के साथ खाने गए हाई पॉइंट, तो वहाँ पे एक शॉप दिखी थी तो हमने वो साइड वाला बैग लिया। साइड वाला, ये वाला ऐसे ना? हाँ अभी बड़ा हो जाएगा। अच्छा सब में चल जाएगा। ऐसा भाभी का भी तो है? हाँ भाभी का भी। क्या बन रहा है खाने में? आज बन रहा है मटर पुलाव। अभी पुलाव बन रहा है तो फिर ये क्यों? पापा के लिए। अच्छा पापा नहीं खाएंगे ना? हाँ, चावल पापा के लिए। अभी 8:30 बज चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। खाला को जो काम था मार्केट से वो करा के आते हैं। इंस्टाग्राम का काम बहुत ज्यादा हो गया, परसों जाना है। समझ नहीं आ रहा एक दिन में क्या क्या करो। अभी तक शुक्र है कि वैक्सीन का असर जो है वो होना शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं एकदम ठीक हूँ। ये नोज देखो, ये तो फिर रेड हो जाती है, पता नहीं इसका क्या चक्कर है। हाँ, पीछे देखो पीछे। और अब हम आ गए हैं एनरिस सलोन। यहाँ पे मुझे कराना था आईब्रोज और अपर लिप्स, मैंने करा लिए हैं। ब्लॉग के लिए? इसके लिए? ओ यूट्यूब ब्लॉग पे डालते हो। थैंक यू। वेलकम। देखिए कितना पेन होता है कि मेरे आंखों में अभी भी आंसू हैं। 2 महीने बाद कराया ना तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उधर तो आंसू भी आ गए थे, लेकिन अभी ठीक है और अभी मैं करूंगी डिनर। फ्रेंड्स जाना है और इतना सारा काम है। देखिए अभी ये पार्सल आया, बहुत अच्छा, और अम्मी के लिए हमेशा इतना अच्छा सरप्राइज आ जाता है। कोई भी पार्सल खोलो, कोई भी ऐड की चीज आती है उसमें ये सरप्राइज होता है फॉर अम्मी। कितना प्यार करते लोग आपको, अल्लाह। फ्रेंड्स अगर आप ये नहीं भी दो ना, इसका कुछ नहीं, आपकी मोहब्बत है तो अम्मी एक्सेप्ट करती है, पहन के सिला लेती है। इसकी जरूरत नहीं, बस आप अम्मी को हमेशा दुआ में याद रखो बस। और हम आपको दुआ में याद करते हैं, आप दो ना दो कुछ भी नहीं, लेकिन अम्मी जैसे हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, वैसे आप लोगों के लिए दुआ करती है, करती रहेगी अम्मी। जगह सोसाइटी में लाइट्स लग गई है। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर पापा से मिलने। 10 बजने वाला है, हम ऊपर से नीचे आ गए थे, फिर हमने इंस्टाग्राम का थोड़ा काम किया, उसके बाद मुझे वैक्सीन लगी है तो अम्मी के लिए थोड़ा हेल्दी खाओ तो मुझे ये खाने के लिए दे दिया है। वैसे मुझे अभी कुछ भी ऐसा असर नहीं हो रहा है ना अम्मी। दबा ऊपर करो, ये दबाना है। अरे तोड़ मत देना। अब क्या हुआ? तुमने तो बोला था 00 पे होएगा, फिर क्यों नहीं हो रहा? तुम ही खोल दो रिजा। कुछ और था क्या उस दिन पासवर्ड? 0011 सब कर लिया, ये कुछ नहीं खुल रहा है, इसका मूड नहीं है खुलने का। 0011 कोड है उसका, सीक्रेट कोड। कोड क्या है उसका? 00 सब ट्राई कर चुके, तुम कोई अलग नहीं हो। हाँ तुम आके जैसे कुछ वो जादू कर दो। कोड कहाँ लिखा? 000 मैकेनिक की जानती, वो कर सकता है। तोड़ना नहीं है उसे। हो जाएगा, पक्का 00 है? पक्का 0 है ना? कहाँ लिखा है? तुमने आज खोल दी, तुम बड़े होके मैकेनिक ही बनोगे। ये टूट जाएगा रेहान। नहीं नहीं खत्म कर, ये तोड़ने की चक्कर में अपने स्कूल में ले जाऊंगी। रेहान नहीं, रेहान रेहान उनको डालना है किसी का। रेहान नहीं खुलेगा फिर, ऐसे ही बोल दो हैप्पी बर्थडे, बस निकाल दो बस। हैप्पी बर्थडे, हाँ मतलब जो भी बस थैंक यू ऐसे करके बस रख लो बस। उसके बाद मैंने ये नोज स्ट्रिप ट्राई किया लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, पता है अम्मा का वो नाप का नहीं लिया कड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जल्दी से काम करके आते हैं। बैग लेना था अम्मा और खाला के लिए तो हम वो शॉप पे गए। कौन सा साइज? मीडियम या बड़ा? ऐसे मीडियम। क्वालिटी अच्छी बताइएगा। बहुत सही है।
इलेक्ट्रॉनिक कैटल चाहिए। बजा चुका है। अच्छा वो दिखा दीजिए, ज्यादा दिन चले। फिजिंग करेगी। पसंद है पक्का? हाँ। ये वारंटी का डायमंड के बाद मुझे अपने एक ड्रेस के लिए लेस लेनी थी, हमने वो लेस ली और अम्मा के लिए कड़े लेने थे तो हम वहाँ आए। वो ड्रेस से छोटा नहीं है। ठीक तो है। कितने का दिया सेट? 8 पीस का सेट है, 100 रुपए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए मार्केट का काम करके और अभी भी कहीं शायद जाना है तो अभी हम आपको दिखाते चलते थे हमने क्या लिया है। पार्सल आया है, पर्स है, इसमें सवाल लिखा है, ये खोलो खोलो। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारा हिजाब है। हम लोगों ने जितनी भी शॉपिंग की थी सब इसी बैग के अंदर रख लिया था, अब खाला निकाल रही है। सामान ज्यादा हो गया है तो एक अम्मा के लिए लिया है और एक बेटी खाला के लिए सेम। देख लो अम्मा सही है, कड़े भी मिल गए थे देखो। और ये डॉक्टर चप्पल नाप के देखो अम्मा चप्पल। जैसे मैं जा रही हूँ तेरे के पास, रेहान के भी अभी हाँ आवा को दे दो। तो बहुत अमीर हो गई हो, कितने मिले अम्मा से? 500। अम्मी आपको 2500। अरे 2500? हाँ। क्यों? दे दिए दो, कह दी 5-5 और दे दिए। अभी हम जा रहे हैं भाई भाभी के साथ कोई काम से और यहाँ पे बहुत सारा काम है, अभी हम मार्केट से कर आए थे, थोड़ा बहुत इनको देके जा रहे हैं जो ऑल्ट्रेशन कराना है। कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करो ना तो वो बहुत ज्यादा लेंथ में आ जाती है क्योंकि मैं थोड़ा लूज मंगाती हूँ, बड़ा साइज मंगाओ तो लंबा भी हो जाता है, तो इसीलिए वो अम्मी लोग करा के रख लेंगी। फिर बाद में आके देखो सैलून जाने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे, बेटी खाला को भी कर देंगे और अम्मी को भी कर देंगे। अम्मी जा नहीं रही लेकिन फिर भी अम्मी का भी लगे हाथ कर देंगे। कौन कहीं जा रहे हैं? बर्थडे का बहुत टाइम है। अभी तुम भी जा रही हो तो हमें और नहीं अच्छा लगेगा, तो अभी ये नहीं करना, बाद में करना। हमारा बेटी खाला का कर लो, आपका भी नहीं, हमारा आने की बात करना। खुशी और भी 2 दिन कम होगा। क्या पी रही हो? काढ़ा। सर्दी हो रही है? हो नहीं रही, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसलिए पहले से पी गया। वहाँ भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के ले आई है और बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने भी टेस्ट किया था, आपने भाभी के ब्लॉग में देख ही लिया होगा, एकदम परफेक्ट है। जब इतनी अच्छी चीजें बनती हैं कैसे कंट्रोल रोके अपने आप को, वही तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बहुत ही अच्छे हैं। जब तक ये चीजें ना बने तब तक दिवाली की शुरुआत अधूरा अधूरा सा लगता है। जब तक का लगते नहीं त्योहार कोई। कितना बज गया? 12:12। क्या बना रही हो? मेथी। अम्मी सो गई थी क्या? ऐसा मेरे कपड़े तो देख लो फ्रेंड्स, आप लोग तभी देखना सरप्राइज है, जमील भाई ने एक दिन में सिल के दिए हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? पिंक। वो नहीं अच्छा लग रहा है? मुझे पिंक ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम सभी 12:30 हो गया, कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, फेशियल करना था वो भी नहीं किया, अभी टाइम निकाल के जल्दी से करते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। और ये देखो अम्मी कैसे बैठे बैठे सो रही हैं। अम्मी जाओ सो जाओ। अच्छे लग रहे कपड़े ना? अच्छे है ना। ममता का क्या क्या खाया? उन्होंने निहारी और पराठे। उनकी मम्मी से मिली? हाँ, मम्मी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। अब दो बच्ची हैं? वो भी बहुत अच्छी, इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने पराठे हलवा ये सब बना बना के खिलाया। अम्मी मैं सुबह चली जाऊंगी, इधर देखो मैं चली जाऊंगी, आप सोती रहना। ठीक है। नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, खुशी खुशी भेजना, 4 दिन की बात है। अम्मी खुद भेज रही है ना, अम्मा के रख दे। और ये जमील भाई के यहाँ से लोग के भी कपड़े सिल के आ गए हैं। अभी 1 बजने वाला है, मैंने अच्छी सी ब्लैक कॉफी पी है। कितना शोर कर रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? तो अभी हम जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, ज्यादा सामान नहीं, लेकिन ये जो शादी के कपड़े हैं यही बहुत ज्यादा सूटकेस में हो गया, मुझे ज्यादा सामान लेके नहीं जाना है। पहली बार तो अकेले जा रही हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। तो कपड़ों का तो हो गया है फाइनल, अभी बची है ज्वेलरी। 1:40 हो गया लेकिन सूटकेस थोड़ी छोटी पड़ रही है और मुझे इसी में ही सब कुछ रखना है, मुझे ज्यादा सामान नहीं करना है, तो अभी खाला अच्छे से रख रही है। हाँ याद आएगी मेरी? बोर हो गए? क्यों? मैं तुम्हें हंसाती हूँ या तुम्हें टाइम पास कराती हूँ? टाइम पास कैसे? मैं तुम्हें डांटती हूँ, मोबाइल रखो, आईपैड रखो, टीवी बंद करो, डांटने में ही टाइम पास हो जाता है। चलो अच्छे से आवा ख्याल रखना। हाँ, अम्मा चलो जाता हूँ। रेहान इतना उदास तो मत हो, आवा का ख्याल रखना है। ज्यादा फोन नहीं, ज्यादा टीवी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आवा के पास बैठ के बातें। इधर देखो लगा ली ब्लीच। पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला इसलिए ये हेयर रिमूविंग क्रीम से ही हेयर रिमूव कर रहे हैं।
क्या बना रही हो? रिजा पता चल गया कैसे खोलेगा। कल हम लोग बहुत करीब तक पहुंच गए थे, हमें पता नहीं चल रहा था 000 तो डालना है, इसको दबाना नहीं है तो ऐसे साइड में प्रेस, साइड में करना है ऐसे इधर को खुल गया फाइनली। आके यूज करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स अभी 3:30 हो गया है, पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया है, काफी हद तक सब कुछ हो गया है और इसके बिना कुछ भी नहीं होता। इसने कितनी सारी हेल्प कराई, आज से मैं बाहर भी चली गई थी, काम था कुछ भाई भाभी के साथ, तो मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन घर पे अम्मी ने, बेटी खाली ने टेलर के पास जाके सब कुछ काम करा दिए थे। जमील भाई ने भी एक दिन में कपड़े सिल दिए और जो बाकी पैकिंग की चीजें इसने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। थैंक यू रिजा, सच में आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छी है लेकिन सच में बहुत ज्यादा अच्छी है कि ये बहुत हेल्प करती है और ऐसी बहन सबको मिलना चाहिए और मैं इसको वहां पे बहुत ज्यादा मिस करूंगी। तुम मुझे मिस करोगी? हाँ याद तो आएगी। चलो कोई नहीं, हम इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी मैं अपना थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा ब्लीच लगा लूं। आपने देखा होगा हाथ के और थोड़े पैरों के हमने हेयर जो है वो रिमूविंग क्रीम से रिमूव करें क्योंकि बिल्कुल भी सैलून जाने का टाइम नहीं मिला है और बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था, तभी वो सब कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बस बाय। क्या कर रही हो? मेरी सूट केस इस बार खड़ी नहीं हो पा रही, पता नहीं कोई मर रही है कि मैं अब नहीं आऊंगी। तो दिखा दो, आहा चमकने लगा। अच्छा माशाल्लाह। हाँ छोड़ो छोड़ पैर में गिर गई।